सरकार जो है डेमोक्रेटिक वैल्यूज को की धज्जियां उड़ा रही है। यहाँ स्टेट में पिछले 10 साल से इलेक्शन नहीं हुए, लोग परेशान हैं। तो लिहाजा मैं ये गुजारिश करूंगा कि सरकार आवाम के साथ जंग मत करे। आवाम की जो भी जंग होगी सरकार बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आज आप इन लोगों को अगर आप ये मशकूक तरीके से देखोगे, मशकूक नजर से देखोगे तो मैं समझता हूँ इससे बदकिस्मती वाली कोई बात नहीं होगी। इन्होंने 47 में भी दुश्मन को यहाँ से भगाया, 65 में भी गोलियां खाई और दुश्मन को भगाया, 71 में भी, आज तक प्रॉक्सी वार जो है खिताए पीर पंजाल के लोग लड़ रहे हैं। और जम्मू कश्मीर पूरी की मैं बात करूंगा कि उन्होंने ट्यूनिशन थोड़ के इस बड़े रिजेक्ट करके उन्होंने जमहूरी मुल्क के साथ इलहाक किया था। हमारे साथ पहले भी नाइंसाफियां हुई हैं, रियासत के आयन को तोड़ा गया है, रियासत के स्टेटस को तोड़ा गया है, 35A को तोड़ा गया है, 370 को तोड़ा गया है, रियासत के स्टेटस को तोड़ के यूटी बनाया है और जितनी भी सरकार की आज तक कॉल ऑफ हेल में तजाद रहा है। तो मैं सरकार को ये चेतावनी दिलाना चाहूँगा, मैं ये गुजारिश करूँगा कि इसमें जो लोकल यूटी सरकार ने कोई ऑर्डर किया है, मैं देश की बड़ी लीडरशिप से गुजारिश करूंगा, मैं देश की सिविल सोसाइटी से गुजारिश करूंगा कि वो जम्मू कश्मीर की तरफ ध्यान करें। और आए दिन जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं आप लोगों के साथ जुल्म सितम कर रहे हैं, इनको स्टॉप करें। और लास्ट में मैं ये कहूँगा कि बींग वेलफेयर स्टेट रियासी सरकार को लोगों की परेशानियों का अजाला करना चाहिए, बल्कि परेशानी में लोगों को मत डालें। आज आपको सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, देखिए जम्मू और इसमें हमारे इस पुरअमन एरिया रहा है ये, और 7 लोगों को शहीद कर दिया गया और उनकी इंक्वायरी चल रही है। लोग परेशान हैं, पहले से ही लोग परेशान हैं लाइट ऑर्डर लेके, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम लेके। और आपने ये कहा कि हमने 370 खत्म करके इस रियासत में मिलिट्रेसी को ख़त्म कर दिया है, तो ये रजौरी में क्या हुआ है, उन लोग जिम्मेदार हैं। ये सब चीज़ें जो हैं सरकार का फेलियर बता रही हैं और सरकार जो है डेमोक्रेटिक वैल्यूज को की धज्जियां उड़ा रही है। यहाँ स्टेट में पिछले 10 साल से इलेक्शन नहीं हुए और डेवलपमेंट का फुकदान है, लोग परेशान हैं। तो लिहाजा मैं ये गुजारिश करूंगा कि सरकार आवाम के साथ जंग मत करे। आवाम की जो भी जंग होगी सरकार बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, मुझे यकीन है इंशाल्लाह ताला। और इस स्टेज की रूह से मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारे यहाँ तमाम साथी यहाँ आए उनका भी शुक्रिया करूंगा। और मैं रजौरी पुंछ के लोगों को ये यकीन तालीम दिलाऊंगा इंशाल्लाह ताला कि आपके साथ आपकी जमीन आपके घर का कोई बाल भी का नहीं कर पाएगा, 1 इंच जमीन आपसे नहीं ले पाएगा इंशाल्लाह ताला। हम सब लोग जो हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तमाम पोलिटिकल पार्टीज के लोग सवाए एक पार्टी जो देश के खिलाफ है, जो आवाम इंसानियत के उसे निकालना है, उनसे कब्जा लेना। सरकार ने जो निकाला है लोगों को निकालने का, घर तोड़ने का, जमीनें छीनने का, मेरा ये पुर जोर तरीके से मैं गुजारिश करूंगा सरकार से कि बिल्कुल इस काले कानून को वापस ले लें और यहाँ एक महाज अराई, एक सरकार और गरीब लोगों के जंग ताकि ना छिड़े, लोगों को परेशानियां ना हों। आज फाका कशी पे लोग आ गए हैं, हमारे बच्चे जो हैं बड़ी बड़ी डिग्रियां करके, बड़ी बड़ी तालीमें पढ़ के, तो आज नशा में मुबतला हो रहे हैं, डिप्रेशन में मुबतला हो रहे हैं बच्चे हमारे। कितनी कितनी पढ़ाइयाँ करके वो आज उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, कितने कितने इंटरव्यू दिए और कैसे कैसे उन लोगों ने, इस सरकार ने किस तरह से इंटरव्यू उनके उन लोगों के रद्द किए और उनके परेशानियां बनाई हमारे बच्चों की, बजाय हमारी तो रोजगार देने के, बजाय हमारे तरक्याती काम करने के, जो सरकारें करती आई हैं शुरू से, जो सरकारों का काम है, हुकूमतों का काम है लोगों को करने, उसके बजाय यहाँ एक मुसीबत खड़ी कर दी, एक कानून निकाल दिया, एक बाकायदा तौर पर यह कानून निकाला कि ये जो जमीनें हैं ये स्टेट लैंड है, ये कचराई लैंड है, ये दूसरी जमीनें, ये रोशनी एक्ट के तहत लोगों के, इनको वापस किया जाए और लोगों को वहां से निकाले जाए, जिसने घर बनाए हैं, जिसने दुकानें बनाई हैं, जो कुछ है वो उठाया जाए और बुलडोजर लगाए जाए और लोगों को कहा छत उठाए जाए सिर्फ से। ये सरकार का फैसला हमें और हमारी हुकूमत को कभी भी मंजूर नहीं होगा। और हमारा ये है कि मेरा अपनी आवाम से गुजारिश ये है, अपनी आवाम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह का भरोसा करें, अल्लाह से डरें।
और ये हुकूमतें कुछ करने वाली नहीं है और तौबा इस्तिगफार करना चाहिए हमको और हिंदू मुसलमान से कतार जो है हमारा कायम रहेगा, आज से पहले भी रहा, आज भी रहेगा, इससे बाद भी रहेगा। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपनी अवाम के लिए हर लिहाज में लड़ने के लिए तैयार है और कोई भी आदमी किसी भी मस्कीन आदमी की के खिलाफ हुकूमत का कोई एक्शन देखना नहीं चाहते।